नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। डीएलएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट बीएसईबी ने जारी किया। नेपाल से पन बिजली खरीदेगा बिहार। पिक आवर में नहीं होगी बत्ती गुल। कब होगा बिहार में मानसून का आगमन? आ गई तारीख। नीट पेपर लीक में बिहार के 9 अभ्यर्थियों को ईओयू ने भेजा नोटिस। विराट कोहली को लेकर शिवम दुबे ने कही ये बात। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डीएलएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट बीएसईबी ने किया जारी। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का रिजल्ट समिति के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। एग्जाम में शामिल अभ्यर्थी अपना स्कोरबोर्ड बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। बता दें कि परीक्षा में कुल 5,68,972 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें कुल 75.43% अभ्यर्थी पास हुए हैं। मालूम हो कि राज्य में कुल 300 से अधिक डीएलएड कॉलेज हैं और कुल 30,750 सीटों पर एडमिशन होना है, जिसके लिए जल्द ही बीएसईबी द्वारा काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। नेपाल से पन बिजली खरीदेगा बिहार। पिक आवर में नहीं होगा बत्ती गुल। राज्य में अभी हर रोज 7500 मेगावाट से अधिक की बिजली आपूर्ति होती है। केंद्रीय सेक्टर से कम बिजली मिलने के कारण कंपनी को कभी कभी खुले बाजार से बिजली लेनी पड़ती है, लेकिन अब खुले बाजार पर बिजली के लिए बिहार की निर्भरता कम होगी। बिहार सरकार ने गैर परंपरागत बिजली का कोटा पूरा करने के लिए नेपाल से पन बिजली की खरीदारी करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बिजली कंपनी द्वारा बिहार विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर की गई थी, जिस पर अब आयोग द्वारा मुहर लगा दी गई है, जिसके बाद अब नेपाल से अगले 3 से 5 वर्षों तक 209 मेगावाट पन बिजली खरीद का रास्ता साफ हो गया है। 26 से 28 जून तक आयोजित होगी दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा। बिहार के नियोजित शिक्षकों के राज्य कर्मी बनने के लिए आयोजित की जाने वाली दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा तारीख आ गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बताया गया है कि दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर 26 से 28 जून तक लिया जाएगा। बता दें कि इस परीक्षा में 85,000 से अधिक स्थानीय निकाय के शिक्षक सम्मिलित होंगे। कब होगा बिहार में मानसून का आगमन? आ गई तारीख। तपती गर्मी झेल रहे बिहारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की संभावित डेट सामने आ गई है। प्रदेश में 17 या 18 जून को मानसून दस्तक दे सकती है। बता दें कि बिहार में मानसून का आगमन किशनगंज और पूर्णिया के रास्ते होता है और यहां पिछले 2 दिनों से मध्यम बारिश हो रही है और बादल का प्रसार बढ़ने से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। वहीं 17 जून से बादलों का प्रसार दक्षिण बिहार की ओर बढ़ेगा। नीट पेपर लीक में बिहार के 9 अभ्यर्थियों को ईओयू ने भेजा नोटिस। नीट यूजी परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू द्वारा बिहार के 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा गया है और इन्हें अभिभावकों के साथ पूछताछ के लिए ईओयू कार्यालय बुलाया गया है। ईओयू सूत्रों के अनुसार पुलिस की अब तक की छानबीन में सॉल्वर गिरोह के पास 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे, जिनमें से 4 को उसी वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और शेष 9 परीक्षार्थियों के बारे में जानकारी के लिए ईओयू ने एनटीए को पत्र लिखा था। पहली बार देश से बाहर सप्लाई होगा मुजफ्फरपुर का मालदा आम। बिहार के मुजफ्फरपुर का मालदा आम भारत में पाए जाने वाले सबसे बड़े और सबसे स्वादिष्ट आमों में से एक है और इसकी डिमांड पूरे देश में है। तो वहीं अब मुजफ्फरपुर का मालदा आम का स्वाद चीन, जापान और इंग्लैंड के लोग भी चख सकेंगे। इस बार इसे चीन, जापान और इंग्लैंड भेजने की तैयारी चल रही है। विदेशों में मालदा आम भेजने से पहले इसे दिल्ली के इंटरनेशनल लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। बोचहां स्थित प्रोसेसिंग यूनिट के वरीय प्रबंधक ने बताया है कि जिले का मालदा आम के सैंपल की रिपोर्ट दिल्ली स्थित इंटरनेशनल लैब भेजी गई है। जल्द ही रिपोर्ट आने की उम्मीद है, जिसके बाद 3 दिनों के भीतर ही विदेशों में भेजने के लिए आम की तुराई की जाएगी। गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शोधित जलापूर्ति के लिए नल जल की व्यवस्था। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शोधित जलापूर्ति के लिए नल जल की व्यवस्था की जा रही है। ये जानकारी आईपीआरडी विभाग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है। इस पानी का प्रयोग आप पीने, खाना बनाने और अन्य दैनिक कार्यों में कर सकते हैं। इससे संबंधित किसी भी शिकायत के लिए आप 1800-123-1121 पर कॉल भी कर सकते हैं। कुवैत अग्निकांड में मारे गए बिहार के लोगों के परिजनों के लिए सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। कुवैत में एक इमारत में आग लगने से बिहार के 2 लोगों की मौत पर सीएम नीतीश ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। शुक्रवार 14 जून को उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट में लिखा था कि परिजनों को दुख की इस घड़ी में ईश्वर धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे।
इसके साथ ही सीएम नीतीश ने दोनों मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही कुवैत दूतावास से संपर्क कर दोनों के पार्थिव शरीर को भारत भेजने का निर्देश दिया है। ट्रांसफर के नाम पर शिक्षकों से ठगी का मामला आया सामने। बिहार के कई जिलों से इन दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर शिक्षकों के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। बिहार सरकार द्वारा बीपीएससी के दोनों चरणों में बहाल हुए शिक्षकों की पोस्टिंग सिर्फ ग्रामीण इलाकों में हुई है, जिनमें अधिकांश शिक्षक बाहर के हैं, जिस वजह से वो शहरी क्षेत्र में आना चाहते हैं। शहरी क्षेत्रों में पोस्टिंग की चाहत रखने वाले शिक्षक ही ठगी करने वाले ठगों के निशाने पर है। भागलपुर जिले में अब तक 2 शिक्षिकाओं से 25,000 और 20,000 की ठगी की जा चुकी है। बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर जारी निर्देश के अनुसार वर्तमान में बिहार में किसी भी प्रकार के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक है। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने स्कूल इंस्पेक्शन को लेकर जारी किए निर्देश। के पाठक की जगह कार्यभार संभालने वाले शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने स्कूल इंस्पेक्शन को लेकर एक नया निर्देश जारी किया है। अब स्कूल इंस्पेक्शन की सीधी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार अब जिलों में डीएम गैड शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से विद्यालय का निरीक्षण कराएंगे। विद्यालयों के इंस्पेक्शन के लिए अब डीएम ही टीम तैयार करेंगे और सभी जिलों में इसे लेकर नोडल पदाधिकारी की तैनाती होगी। 9 जुलाई से शुरू होगी भारत गौरव ट्रेन। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के लोग करेंगे ज्योतिर्लिंग के दर्शन। फिर से आईआरसीटीसीआई द्वारा ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए भारत गौरव स्पेशल पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। 8 महीने बाद फिर से, जिसकी शुरुआत 9 जुलाई को होने जा रही है। इस स्पेशल ट्रेन से मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के लोग एक बार फिर से ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। ये बेतिया से 9 जुलाई को खुलेगी और 5 ज्योतिर्लिंग उज्जैन के ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, द्वारिका के द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर और त्र्यंबकेश्वर दर्शन के साथ साथ शिरडी साईं बाबा को कवर करेगी और कुल 11 दिन और 10 रातों के लिए तीर्थ यात्रा का अनुभव करवाएगी। लोकसभा सीट कम होने के बाद एक्शन में आई बिहार बीजेपी। लोकसभा चुनाव 2024 में मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से बिहार बीजेपी इकाई का पूरा फोकस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इस बार बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 9 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था, लिहाजा बीजेपी अभी से ही एक्टिव दिख रही है। पार्टी की तरफ से बुलाई गई बैठक में अभी से ही जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, लोकसभा प्रभारी एवं लोकसभा संयोजक से लेकर विधानसभा विस्तारक को क्षेत्र में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विधायकों और विधान पार्षदों को भी काम करने का दायित्व दिया गया है। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गया के खनिज विकास पदाधिकारी को किया निलंबित। नियमानुकूल कार्य नहीं करने और समर पत्र के बावजूद स्पष्टीकरण नहीं देने पर बिहार के डिप्टी सीएम और खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गया जिला के खनिज विकास पदाधिकारी निधि भारती को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बिहार में खनन माफिया की सक्रियता से अवैध बालू खनन और कारोबार सरकार के लिए सरदर्द बना हुआ है और सभी पैतरे अपनाने के बावजूद सरकार बालू के अवैध कारोबार पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वहीं विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि विभागीय कर्मियों की मनमानी, स्वेच्छाचारित अनुशासनहीनता और भ्रष्ट आचरण के कारण अवैध बालू खनन एवं परिवहन को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि गया जिला के बंदोबस्त बालू घाट संख्या 39 के मामले में हुए निलंबित अधिकारी पर अनियमितता बरतने के आरोप है। 15 दिनों के अंदर बैंक उपलब्ध कराएगा लोन राशि, सम्राट चौधरी का आदेश। बैंकों से आम आदमी के लोन लेन देन सहूलियत बढ़ाने के लिए उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बैंक प्रबंधन को बिहार के बैंकों में सिंगल विंडो के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने बैंकों को ऋण के भुगतान के लिए समय सीमा भी निर्धारित करने के कहा है और 15 दिनों के अंदर ही ऋण उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि जरूरतमंदों को परेशानी ना हो। विराट कोहली को लेकर शिवम दुबे ने कही के बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 में विराट कोहली का अब तक का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा है। विराट ने अब तक खेले 3 मैचों में मात्र 5 रन बनाए हैं। ऐसे सोशल मीडिया पर विराट को खूब आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बीच T20 वर्ल्ड कप में विराट के खराब प्रदर्शन पर मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय ऑलराउंडर और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी शिवम दुबे ने कोहली को सपोर्ट करते हुए कहा है कि धीमी शुरुआत के बाद भी विराट का फॉर्म चिंता का विषय नहीं है और विराट को आलोचकों को चुप कराने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्द ही उनका बल्ला आग उगलेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मनोज कुमार राम, शिवम, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर महतो, सादुल्ला पालवी, सानिया कुमारी, राकेश मिश्रा, वेद प्रकाश सिंह, अमित कुमार, सुनील कुमार, अनवर करीम खान
उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद साकिर हुसैन, राम बाबू दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में विराट कोहली के अब तक के खराब प्रदर्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।